टोक्यो पैरालंपिक में मनोज सरकार ने ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया है। मेन सिंगल्स के एसएलथी कैटेगरी में जापान के दाइशुके फुजिहारा को 21-15, 21-13 से मनोज ने हराया और ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। तो वहीं टोक्यो पैरालंपिक में भारत ने चौथा गोल्ड मेडल जीत लिया है। भारत के बैडमिंटन खिलाड़ी प्रमोद भगत ने एसएलथी कैटेगरी के फाइनल में ब्रिटेन के डेनियल बेथेल को 21-14, 21-17 से हरा दिया है। प्रमोद से पहले शूटिंग में SH1 कैटेगरी के 50 मीटर एयर पिस्टल में मनीष नरवाल ने गोल्ड और सिंहराज अधारा ने सिल्वर जीता। पहली बार पैरालंपिक में शामिल बैडमिंटन में भारतीय खिलाड़ियों का प्रदर्शन काफी अच्छा रहा है। प्रमोद के अलावा SL4 में नोएडा के DM सुहास यतिराज और SH6 कैटेगरी में भी कृष्णा नागर फाइनल में पहुंचकर मेडल पक्का कर चुके हैं। कृष्णा ने सेमीफाइनल में ग्रेट ब्रिटेन के वर्ल्ड नंबर 5 क्रिस्टन कूप्स को 21-10, 21-11 से हराया। इसके साथ ही वो बैडमिंटन में कम से कम तीसरा सिल्वर मेडल पक्का कर चुके हैं। इसके साथ ही तीन खिलाड़ी बैडमिंटन के फाइनल में पहुंच चुके हैं। प्रमोद ने सेमीफाइनल में जापान के फुजिहारा डाइसुके को 21-11, 21-16 से हरा कर फाइनल में जगह बनाई थी, जिसके बाद अब उन्होंने गोल्ड मेडल जीत लिया है। वहीं सुहास ने इंडोनेशिया के फ्रेडी सेतियावन को 21-9, 21-15 से हराया। इसके साथ ही टोक्यो में अब भारत के 18 मेडल हो जाएंगे। सुहास नोएडा के DM हैं। इससे पहले भी वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश के लिए मेडल जीत चुके हैं। सुहास यतिराज SL4 कैटेगरी में गोल्ड मेडल के लिए मजूर लुकास से भिड़ेंगे। फाइनल मैच कल खेला जाएगा। वहीं इसी कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल के तरुण ढिल्लो इंडोनेशिया के फ्रेडी सेतियावन से भिड़ेंगे।